हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन का आंसर देते हैं जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कहीं ना कहीं अक्सर पूछे जाते हैं। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, ट्रेन का हॉर्न कितनी दूर तक सुनाई देता है। हमारा ऑप्शन है ए 6 किलोमीटर, बी 8 किलोमीटर, सी 1 किलोमीटर, डी 2 किलोमीटर। दोस्तों, आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 6 किलोमीटर। दोस्तों, हमारा दूसरा क्वेश्चन है, वायुमंडल को कितनी परतों में बांटा गया है। हमारा ऑप्शन है ए 2 परतों में, बी 5 परतों में, सी 3 परतों में, डी 1 परतों में। दोस्तों, आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 5 परतों में। दोस्तों, हमारा तीसरा प्रश्न है, गंगा एक्शन प्लान कब लॉन्च हुआ था। हमारा ऑप्शन है ए 1988, बी 1995, सी 1985, डी 1992। दोस्तों, किसी भी प्रश्न का आंसर आपको पहले से पता है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। दोस्तों, आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 1985। दोस्तों, हमारा चौथा प्रश्न है, ट्रेन को रोकने के लिए किस रंग का प्रयोग किया जाता है। हमारा ऑप्शन है ए हरा, बी काला, सी पीला, डी लाल। दोस्तों, आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी लाल। दोस्तों, हमारा पांचवा प्रश्न है, दूध उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है। हमारा ऑप्शन है ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। दोस्तों, आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए पहला। दोस्तों, मेरा छठा प्रश्न है, भारत में सबसे ज़्यादा गांव किस राज्य में हैं। हमारा ऑप्शन है ए गुजरात, बी बिहार, सी उत्तर प्रदेश, डी राजस्थान। दोस्तों, आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। दोस्तों, हमारा सातवां प्रश्न है, ऐसी कौन सी मछली है जो हवा में उड़ती है। हमारा ऑप्शन है ए डॉल्फिन, बी फ्लाइंग फिश, सी शार्क, डी व्हेल। दोस्तों, आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी फ्लाइंग फिश। दोस्तों, हमारा आठवां प्रश्न है, भालू किस देश का राष्ट्रीय पशु है। हमारा ऑप्शन है ए भारत, बी जापान, सी चीन, डी रूस। दोस्तों, आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी रूस। दोस्तों, हमारा नौवां प्रश्न है, राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष हुआ था। हमारा ऑप्शन है ए 1948, बी 1949, सी 1950, डी 1960। दोस्तों, आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 1949। दोस्तों, हमारा दसवां प्रश्न है, बांग्लादेश की मुद्रा का क्या नाम है। हमारा ऑप्शन है ए रुपया, बी डॉलर, सी टका, डी दीनार। दोस्तों, आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी टका। दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट में लिखना है। हमारा प्रश्न है, भारत का राष्ट्रगान जनगण मन गाने में कितना समय लगता है। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू दोस्तों।